जो बंदा घर से नवाब बन के नहीं आया, चौधरी बन के नहीं आया, बल्कि मेरी तरह का गुनाहगार बन के आया है, दरे मुस्तफ़ा का फकीर बन के आया है और मेरी आका की जुल्फों का असीर बन के आया है। हर बंदे से अब मेरा सवाल नहीं, सवाल अब मेरा सिर्फ उस बंदे से रह गया जो दरे मुस्तफ़ा का कमी बन के आया। कौन है जो नवाब और चौधरी है वो ना बोले, लेकिन जो मेरी तरह का गुनाहगार है, मेरे आका के दर का कमी है, एक दफा हाथ बुलंद करके जरा बोल दे सुभान अल्लाह। यकीनन आपने बड़ी मोहब्बतों का मुजाहरा किया है, बड़े ज़ौक और इश्क़ मोहब्बत का मुजाहरा किया है, मैं आपके ज़ौक और इश्क़ मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ। कल कयामत के दिन यकीनन ये घड़ियाँ काम आ जाएंगी। अकीदा जिस बंदे का है, एक मिनट के लिए अगर मोहब्बत फरमाइए, खाली जगह आप पुर फरमा लें। मैं सारी महफिल में मैंने आपसे नहीं कहा, आखिर के अंदर बस दो सनाखान बाकी है, आप थोड़ी सी मोहब्बत फरमाएं, बस एक वास्ता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो पंडतन के घराने से प्यार करता है पांच पांच कदम आगे आ जाए, जो पंडतन के घराने से प्यार करता है बस पांच पांच कदम आगे आए। मैं चार मिसरे आपके दामन में देता हूं और आने वाले दोस्त को सदा देता हूं, जो पंडतन के घराने से प्यार करता है, अभी पता चलता है कौन कौन मेरे करीम आका की आल से प्यार करता है। जो जो मेरे आका की आल से प्यार करता है, खुदा की कसम मेरे करीम आका की आल, अरे वो आल है जिन्होंने यकीनन करबला की सरजमी पे सब कुछ नाना मुस्तफा के दीन पे कुर्बान कर दिया। बात तवील हो जाएगी लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ पलटू, मैं बात कर रहा था, अब जो बंदा वहां बैठा रहा है मैं उसे चौधरी समझूंगा, नवाब समझूंगा, बडेरा समझूंगा, लेकिन जो मेरे आका की महफिल में कमी बन के आया, झोली को फैला के आया है, खैरात लेने आया है, एक दफा हाथों को कशकोल बना के बोले, मौला तुझे इस मर्दे कलंदर का वास्ता जिसके दरबारे गौरवार पे हम खड़े हैं, मौला तेरी बारगाह में रात के इस पहर में फरियाद कर रहे हैं, जब तू भी कह रहा है आसमां पे आके मुनादी कर रहा है कि है कोई मुझसे लेने वाला कि मैं उसको अता कर दूं, है कोई बेरिस्का कि मैं उसको रिस्क दे दूं, है कोई बे औलाद कि मैं उसको औलादे नरीना अता कर दूं। मौला जो तेरे महबूब के दर का गदा बन के आया, मेरी तरह का कमी और फकीर बन के आया, मौला आज किस महफिल से खाली न जाए, एक दफा हाथों को कशकोल बना के बोले सुभान अल्लाह। नदीम आवाज साहब, बड़ी मोहब्बतें आपके इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आपके लिए मैं ये चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। मुसलसल रابطے में रहे, बड़ी काविश, बड़ी कोशिश, फकत ये नहीं कि लोग राजी हो जाएं, मकसद बैठ जा यार बैठ, मकसद सिर्फ ये है कि मदीने वाला राजी हो जाए, लोगों को राजी करना मकसद नहीं। आगे सैयदजादे बैठे हैं, मैं ये चार मिसरे ऐसे खूबसूरत आपके दामन में दे रहा हूं, ये चार मिसरे पेश करते हुए चार मिसरों के अंदर मैं आपको कलंदर की सरजमी पे लेके चलूंगा और उस मर्दे कलंदर की बात करके आने वाले दोस्त को सदा दूंगा। बस मैं ये कह रहा हूं कि जे साई नाल होवण ते खल्ले नहीं लगदे, लेकिन अब उस बंदे के लिए ये मेरे मिसरे हैं जो दरे मुस्तफा का कमी बैठा है। आइए सैयदजादे स्टेज की जीनत है कि जे साई नाल होवण ते खल्ले नहीं लगदे, के सोने दे चले भी चले नहीं लगते। ऐसे नहीं, जितनी बड़ी बात उतनी बुलंद आवाज से बोल सुभान अल्लाह। अब आप दिवाकार एक मिसाल देता हूं ताकि बात की समझ आ जाए। अब मेरा तलक नहीं जरदारी साहब से, नदीम भाई का तलक हो जरदारी साहब से, मुझे उनसे कोई काम हो, अगर मैं इनसे कहूं कि आप ये मेरा काम उनसे करवा दें, आप बोलेंगे जरूर इंशाल्लाह मेरे इस जुमलों पे, तवज्जो सर मेरी जानिब कीजिए। मैं इनसे कहूं कि आप मेरा ये काम करवा दें, आपका उनसे वास्ता है, ए मेरे साथ साई मिल गए तो मेरी बात बन गई। मिसाल दी है ताकि बात की समझ आ जाए। अब शेर सुनिए, जे साई नाल होवण ते खल्ले नहीं लगदे, और इस मिसरे पे हर बंदा नहीं बोलेगा, सिर्फ वो बोलेगा जो तरे मुस्तफा का कमी बन के आया है कि जे साई नाल होवण। अभी तबीयत पे जबर की दिए, अभी नहीं बोलना, दो मिसरे मैंने पढ़ देने हैं, तीसरा मिसरा भी पढ़ देना है, लेकिन चौथे मिसरे पे वो बोलेगा जिसकी रगों में मां का मुकद्दस दूध भी है, इश्क़े रसूल भी है, और रगों में हल होके जिस्म में गर्दिश भी कर रहा है, वो बंदा करज समझ के नहीं बल्कि फर्ज समझ के बोलेगा सुभान अल्लाह। बस पहले तवज्जो करना कि जे साई नाल होवण, सैयदजादों से मैंने दुआ लेना है कि जे साई नाल होवण ते खल्ले नहीं लगदे, कि सोने के चले भी चले नहीं लगदे, ओ असी कमली वाले दे कमली अनासर कदी दुनियादारा दे थल्ले नहीं लगदे। जो जो दरे मुस्तफा का कमी वो बोले जरा सुभान अल्लाह।
आइए चार मिसरे, क्योंकि मेरे कलंदर पाक का उनसे पाक आ रहा है, इस हवाले से पेश करता हूं ऐसे खूबसूरत चार मिसरे। इन चार मिसरों के अंदर और चौथे मिसरे में अकीदा या अहले सुन्नत रोज़े रोशन की तरह आया नजर आएगा, और चौथे मिसरे में खालिसतन अकीदा भी है और नतीजा भी। बस सुनिए, हर बंदे की समझ में नहीं आएंगे, जो पढ़े लिखे अहबाब बैठे हैं तवज्जो करें कि साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। लोग कहते हैं कि मुस्तफा करीम दीवार के पार की खबर नहीं रखते, नदीम भाई सूसी तवज्जो, मेरे आका तो मेरे आका है, यहाँ अली के मकाम तक कोई नहीं जा सका। अरे अली तो वो है जो कहता है कि मुझे अर्शे अजीम की बातें पूछो, मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। और फिर मेरे अली तो मेरे अली है, बस बात मुख्तसर करूं, मेरे मौला अली तो मेरे मौला अली है, यहाँ कलंदर की हस्ती तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो अल्लाह वालों से प्यार करता है एक दफा के लिए हाथ फिजा में बुलंद करेगा, जो कलंदर की हस्ती से प्यार करता है। आ मैं किसका नाम ले रहा हूं कि साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला। अरे घर तो मिलता ही नहीं, पर सा कोई ढूंढ के ला, और एक दो साल नहीं, अरे सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला, तू अली छोड़। साजिद भाई, साहिबे नक्शे, ये बात किसी के सहने दिल पे उतरी है, किसी के सर से गुजर गई है, लेकिन हौका देने वाले का काम है हौका देना। कोई चीज खरीदे या ना खरीदे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नौकरी उस बारगाह में पेश कर रहा हूं, जिस बारगाह में बंदा नौकरी पेश करे तो यकीनन दो आलम की शाही उसे मिल जाती है। बस साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला, अरे एक दो साल नहीं, जा सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। आइए बाबे दीवकार, मेरे दादा के नगर में भी हम इकट्ठे हुए, बहुत खूबसूरत हाजरी साजिद भाई इंशाल्लाह पेश करेंगे जड़ावाला की सरजमी से। एक ऐसे खूबसूरत सनाखा ने मुस्तफा को पेश कर रहा हूं, रात के इस पहर में पढ़ना यकीनन सनाखा ने मुस्तफा के लिए, ये भी एक जिहाद की बात होता है, लेकिन हाजरी उस आका की बारगाह में पेश करना है। और जौक आप देखेंगे कि महफिल पाक में वैसे ही आएगा जैसे पहले मौजूद था। तशरीफ लाते हैं मेरे मुल्क पाकिस्तान के अजीम और नामवर सनाखा ने मुस्तफा मद्दाह हबीब किबरिया जनाब मोहतरम साजिद अली सैफी साहब आप तशरीफ लाएंगे। आपके बाद इंशाल्लाह जहाज़े बतारी कादरी साहब मेरे आका की बारगाह में हदीया अकीदत पेश करेंगे, फिर दुरूद सलाम होगा, नारा बुलंद कीजिए नारा तकबीर। जेड़ा थकिया बैठा है वो ना बोले, लेकिन जिंदा अकीदा है कि आज इतने मुस्तफा करीम वास्ते जुबान बुलंद करांगा ते कल कब्रो हशर च मेरा रब मेरे मुकद्दर नु बुलंद कर देगा। बस वो बोले नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदारी, नाराए होसिया, जिस जगह पे अहमद मुख्तार का नाम आता है, अरे वहां तो जिब्रील अमीन के सलाम आता है।